स्वतंत्र पार्टी से इंजीनियर कमलेश टेकाम ने नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि गोंडवाना से प्रत्याशी कमलेश टेकाम के समर्थन में अपार जनसमूह शामिल हुआ। यह जन समर्थन यह दिखा रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी को हल्के में लेना दोनों पार्टियों के लिए भारी पड़ सकता है। इतनी अधिक संख्या में जन समर्थन दे कमलेश टेकाम ने बताया, आज हमने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पत्र भरा है। यह जो भीड़ देख रहे हो, इनको पैसे देकर नहीं बुलाया गया है। हमारे विधानसभा की जनता है जो भाजपा और कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे भली भांति परिचित हो चुकी है, इसलिए गोंडवाना को अपना आशीर्वाद दे रही है। और मैं अपने क्षेत्र की जनता को मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भाजपा का समर्थन करती है, पर ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस के द्वारा हमको धोखा दिया गया और हमारी पार्टी को गर्त में धकेलने की बहुत कोशिश की गई, तब हम मजबूरन अपने पार्टी का वर्चस्व बचाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में भाजपा का समर्थन किए, पर वो हमारी मजबूरी थी जिसको कांग्रेस वाले पूरे विधानसभा क्षेत्र में डिडोरा पीट रहे हैं। कांग्रेस अपनी नाकामी छुपा रही है। हम पूछते हैं, कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी जो मंडला और नैनपुर में नगर पालिका में कांग्रेस और भाजपा के साथ मिलकर बैठे हैं, जबकि जनता के सामने एक दूसरे के कट्टर विरोधी दिखाते, पर अंदर से ये भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है और जनता को गुमराह कर रही है। यह सब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण डरे हुए हैं। और मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि इस लोकतंत्र के पर्व में अधिक से अधिक हिस्सा लेकर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मध्य भारत से गोवर्धन कुशवाहा की रिपोर्ट। सर, आज आपका नामांकन हुआ है, किस सोच के साथ आप अगला जो चुनाव फेस करेंगे, किस क्या सोच है आपकी? इस पे आप देख ही रहे हैं कि हम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के समक्ष साथ में रहकर जो आज नामांकन दाखिल किया है, ये कोई कांग्रेस और भाजपा की तरह है, ये किसी के लाए हुए लोग नहीं हैं। ये किराए से लाकर और भीड़ इकट्ठा करते हैं। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नाम से एक जनता का रुझान और उन लोग अपने खर्चे से और ये सब अपनी इच्छा से और समर्थन के कारण उपस्थित हुए। और हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि दूसरी पार्टियां भीड़ लेकर आती हैं और दिखाती हैं, वैसा हम लोग नहीं करते, क्योंकि गांव-गांव से लोग हमारे समर्थक ऐसे हैं कि आज तक जो दोनों पार्टियों ने किया है वो सब देख ही रहे हैं। इनके चाल चरित्र से सभी लोग परिचित हैं कि जैसा कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ये भाजपा की बी टीम है, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मंडला में ही ऐसा एग्जाम्पल है कि जो घर घर जाकर अभी भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के हों या भाजपा के लोग, कि जिला पंचायत में जो अभी 1.5 साल पहले चुनाव हुआ था तो मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं डोर टू डोर जाकर कि ये भाजपा की बी टीम है, पैसा लेकर समर्थन करते हैं। तो ये मैं बता दूं कि मंडला नगर पालिका में आपको देखने को मिलेगा, ये मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर वो अपना नहीं देखते कि भाजपा का अध्यक्ष है और कांग्रेस का उपाध्यक्ष है, तो और नैनपुर में भी ऐसा ही है। तो मीडिया के माध्यम से ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जनता को जाए, जन जन तक पहुँचे कि हमारे बारे में जो आरोप लग रहा है वो बिल्कुल निराधार है। जैसा कि आज यहाँ इतनी भीड़ के साथ उपस्थित हुए हैं तो लोगों का रुझान है परिवर्तन का बिछिया विधानसभा के लिए। और सर, जैसा कि सिटिंग विधायक आपके सामने है और ये भी देखा जा रहा है कि भाजपा के द्वारा भी पूरी ताकत लगाई जा रही है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक सामाजिक पार्टी कहलाती है, तो क्या आपके द्वारा केवल एक ही समाज को लेकर चला जाएगा? नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टी के सामने मुकाबला है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, और पूरा जिला जानता है कि जब हम लोग जो है छोटे छोटे मुद्दों पर सारे वर्गों के लिए और यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनकी हर समस्याओं को लेकर प्रशासन के सामने, शासन के सामने हमेशा आते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि चुनाव के टाइम पे ये ऐसा बोलें कि सामाजिक पार्टी। सामाजिक है क्योंकि समाज का नेतृत्व कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। जो आज तक यहाँ से नेतृत्व किए हैं 40 साल से माननीय कुलस्ते जी जो सांसद और मंत्री रहे हैं, जैसा कि 10 साल से नारायण सिंह पट्टा रहे हैं, तो वो कार्य दिख रहा है, क्योंकि धरातल पे ऐसा कोई अभी तक उनने काम नहीं किया है जनता के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए। तो हम वो करके दिखाएंगे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करके दिखाएगी जो जनता देखेगी। सर, जैसा कि शहरी क्षेत्र है आपका, नगरी क्षेत्र है, नगरी क्षेत्र में वोट ऐसे भी होते हैं जो सामान्य वोट है, उनके सामने आप क्या सोच लेकर जाएंगे?
हम एक बार आग्रह सबके बीच में करना चाहेंगे और मीडिया के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग या दूसरी पार्टियां भ्रमित करती हैं, सामान्य वर्ग हो चाहे कोई भी हो, क्षेत्रवासी और एक क्षेत्र का विधायक होता है, जनप्रतिनिधि होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसकी जिम्मेदारी रहती है इस क्षेत्र से चुन के जाएगा तो वो किसी समाज और किसी व्यक्ति का नहीं होता, वो पूरे क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है। थैंक यू सर। और मैं एक सभी के बीच मतदाता बंधुओं से एक अपील करना चाहता हूँ कि वह ये 17 नवंबर को त्यौहार के रूप में मनाकर अपने अपने मतदान का